अल्लाह रहमान रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिए जाने का बयान। फतह खैबर के मौका पर यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बकरी हदीयतन पेश की और उसमें जहर भरा हुआ था। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये रिवायत है। सही बुखारी 5770। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तमाम यहूदियों को जमा करो। जब पता चल गया कि बकरी में जहर मिलाया गया है, एक और हदीस में आता है कि बकरी के गोश्त ने खुद बताया कि मैं जहर आलूद हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुमसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। यहूदियों से कहा, फरमाया क्या तुम मुझे सही सही जवाब दोगे? उन्होंने कहा, जी हाँ ए अबुल कासम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप कौन है? उन्होंने जवाब दिया, हमारा बाप फलाँ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम झूठ कहते हो, तुम्हारा बाप तो फलाँ है। उन्होंने जवाब दिया, आपने सच कहा और दुरुस्त फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे कोई बात पूछूं तो सच से बताओगे? उन्होंने कहा, जी हाँ ए अबुल कासिम, हम सच सही जवाब देंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि दोज़ख वाले कौन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया, कुछ दिनों के लिए हम दोज़ख में रहेंगे। यानी यहूदी अपने आप को समझते हैं कि हम तो कुछ टाइम के लिए जाएंगे, थोड़े से टाइम के लिए, फिर आप लोग हमारी जगह ले लोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसमें ज़िल्लत के साथ पड़े रहोगे, अल्लाह की कसम हम इसमें तुम्हारी जगह कभी नहीं लेंगे। आपने फिर इनसे दरियाज़ फरमाया, अगर मैं तुम में से एक बात पूछूँ तो मुझे सही बताओगे? उन्होंने कहा, हाँ। आपने फरमाया, तुमने बकरी में क्यों जहर मिलाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, तुमने इस बकरी में जहर मिलाया था? उन्होंने कहा, हाँ। आपने फरमाया, तुमने ऐसी हरकत क्यों की? उन्होंने कहा, हमारा मकसद ये था कि अगर आप झूठे हैं तो हमें आपसे निजात मिल जाएगी, और अगर आप सच्चे नबी हैं तो आपको ये जहर नुकसान नहीं देगा। सही बुखारी 5777।